नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस सहर को स्वच्छ करने को बड़ अभियान स्वच्छ भारत मिशन टूर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री मोदी ग्रामांचल पर फोकस रे सहर स्वच्छता सबु सहर को शुद्ध पानी जल जोगाइबा को लक्ष्य संकट रे भाषा और सीमा सुरक्षा पे अंटा भिड़िले ओडिया निज सरकारी क्षमता प्रयोग कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षामंत्री हिसाब से झारखंड और आंध्र मुख्यमंत्री को लिखिले चिठी कड़ा शब्द रे उद्वेग प्रकाश कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चली पंजाब कांग्रेस रे क्राइसिस मैनेजमेंट सिद्धू अमरिंदन को मनवा को अंक कसा आरंभ दिल्ली में पहुंचले मुख्यमंत्री चयनीय संकट दूर पर समन्वय कमिटी गठन पर वरिष्ठ नेता दावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिले पंजाब नुआ मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री हापर प्रथम साक्षात्कार मोदी को जनइले पंजाबवासी समस्या एवं चन्नी मोदी भेटघाट को नहीं राजनीति सरगरम देशरे कमी संक्रमण 24 घंटे मृत्यु संख्या 300 रु कम टीका ने 99 कोटी एम्स निर्देशक कहले एवं लोकों होगा पड़ो आहुरी सतर्क 6 मास परे दूर हेब कोरोना चिंता बढ़िला टोक्यो गोल्ड बॉय वैल्यू आर्ट दुनिया रे राज करुछंती नीरज विराट और धोनी समकक्ष नीरज हजारे प्रतिशत बढ़ी ब्रांड वैल्यू सबु सहर हेब आवर्जना मुक्त स्वच्छ भारत और अमृत मिशन 2.0 रो शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अवसर में सफेई कर्मचारी को स्वच्छ भारत मिशन रो महानायक होइछंती मोदी ए मिशन सहित तो जोड़ी होइछि मान मर्यादा और महत्वाकांक्षा और मातृभूमि पर प्रेम सेपरी कठिन बर्ज्यवस्तु पर 3R फर्मूला करा जाइछे रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज को एथरे गुरुत्व दिया 10 कोटी शौचालय लक्ष्य पूरण हो स्वेरेज और सेफ्टी मैनेजमेंट उपरे गुरुत्व देउछंती केंद्र सरकार एपरिक रेकर्ड बजेट मध्य देउथबा प्रधानमंत्री निज अभिभाषण रे कहिछंती स्वच्छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री का संकल्प आवर्जना मुक्त सहर स्वच्छ भारत अभियान रो उद्देश्य स्वच्छ भारत स्वप्न को पूरण करिबो अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0 मिशन मिशन रो लक्ष्य अलिया मुक्त सहर सहर गुड़ी को विशुद्ध जल जोगाण सफेई कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन रो महानायक मोदी सरकार को अनेक महत्वाकांक्षी योजना मध्यरु स्वच्छ भारत मिशन अन्यतम शुक्रवार यार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइछि नुआ दिल्ली रे डॉक्टर आंबेडकर अंतरजातीय केंद्र रे आयोजित एक कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 रु देश को आवर्जना मुक्त करिबा पई आरंभ करा जाइतिबा मिशन को आगो को बढ़ाइछंती देशर शहर मानकु आवर्जना मुक्त करिबा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 रो लक्ष्य अभियान रो द्वितीय पर्याय रे अमृत 2.0 मिशन शहर गुड़ी को वर्ज्य वस्तु मुक्त करिबा सह विशुद्ध जल जोगाण पई कार्य करिबो एई मिशन अनुजाई शहर रो जल जोगाण व्यवस्था को सुनिश्चित करिबा सहित नाल नर्दमा रो दूषित पानी जेपरी नदी और ह्रद रे न मिसे से दिगरे पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है
शहरों में शत प्रतिशत लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। एही मिशन को सफल करिवारे सबुठारु बड़ हाथ रहिछि सफेई कर्मचारी मानंकर। सेमानंकर अक्लांत परिश्रम ओ उत्सर्गीकृत मनोभाव एक स्वच्छ भारत प्रस्तुत करिवा दिगरे सहायक होइछि। एहा सहित छोट पिला ओ युवक माने मध्य स्वच्छता दिगरे अनेक प्रशंसनीय कार्य करुछन्ति बोली एही अवसर रे कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। हमारे सफाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। एबे आउ टॉफी रो जोरी तळे न फोपड़ी पिला मने पॉकेट रखुचंती। आवर्जना पकाई चारियाड़ा अपरिष्कार न करिबा पाई पिला मने वयस्क मानक सतर्क कराउछंती। युवा वर्ग मध्य एने उद्यम करिछंती। केतेक आवर्जनारु धन उपार्जन करथिबा बेले केतेक स्वच्छता दिगरे सचेतनता सृष्टि करुछंती। मैं इस बात से बहुत खुश हो जाना होता हूँ कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं, बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज। ओडिया भाषार सुरक्षा नहीं झारखंड और आंध्र मुख्यमंत्री को पृथक पृथक भाव पत्र लिखले केन्द्रमंत्री। झारखंड और आंध्र में ओडिशा और ओडिया भाषा स्वार्थ को गुरुत्व दे उपयुक्त पदक्षेप नेवाई अनुरोध करिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पाखक चिठी लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़ी केन्द्रमंत्री। उभय राज्य में संख्यालघु ओडिया छात्र छात्री को ओडिया पढ़ाने व्याघात नहीं केन्द्रमंत्री उद्वेग प्रकाश करपरी दुईट राज्य में ओडिया भाषा इतिहास गुरुत्व को दुईज मुख्यमंत्री को अवगत कराई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिया भाषार सुरक्षा नहीं झारखंड और आंध्र मुख्यमंत्री को पृथक पृथक पत्र लिखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। झारखंड और आंध्र में ओडिशा एवं ओडिया भाषार स्वार्थ को गुरुत्व दे उपयुक्त पदक्षेप नेवाई अनुरोध करिछंती केन्द्रमंत्री। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़ी केन्द्रमंत्री। उभय राज्य में संख्यालघु ओडिया छात्र छात्री को ओडिया पढ़ाने व्याघात नहीं केन्द्रमंत्री उद्वेग प्रकाश करपरी दुईट राज्य में ओडिया भाषा इतिहास गुरुत्व को दुईज मुख्यमंत्री को अवगत कराई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पंजाब रे कांग्रेस सभापति और मुख्यमंत्री को बदलाइबा परे वर्तमान राज्य प्रभारी को मध्य परिवर्तन करिबा को जाउछे। पंजाब रे राजनैतिक कंदल समय रे राहुल गांधी एवं पंजाब कांग्रेस नेतांक मध्ये प्रमुख भूमिका ग्रहण करितिबा राजस्थान कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब रा प्रभारी भाव नूतन दायित्व दिया जाय परे वर्तमान प्रभारी दायित्व थिबा हरीश रावत को बदल रे हरीश चौधरी को दायित्व दिया जाय बोली गणमाध्यम रे चर्चा जोर धरी। सूचना था कि जे गुरुवार दिन चन्नी एवं सिद्धू का मध्यरे प्राय तीन घंटार बैठक होता एवं यहापर सिद्धू अध्यक्ष भाव में रहिबे बोली कहा जाउथला, किंतु यार समाधान पर एक समन्वय कमिटी गठन करा उचित रहबा नहीं विचार विमर्श करुछि जातीय कांग्रेस।
ଆଉ ସେପଟେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ଚନ୍ନି, ସିଏମ୍ ଚନ୍ନି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ସିଏମ୍ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହା ହେଉଛି ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟଘାଟ। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ କଳହ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଚନ୍ନିଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଆଜ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ନେ କେ ବାଦ ପହଲି ବାର ଇଏ କର୍ସି କଲ୍ ଥି ଯୋ ଏକ ଔପଚାରିକତା ବି ହୈ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କା ଅହଦା ସମ୍ଭାଲନେ କେ ବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ସେ ମିଲେ ସୋ ଉନସେ ମିଲକର ଲମ୍ବି ବାତଚିତ ହୁଇ ହୈ ଔର ଅଚ୍ଛେ ମାହୌଲ ମେ ହୁଇ ହୈ ତୋ ମୈନେ ଉନକୋ ଅଭି କ୍ୟୁଁକି ଫର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଥି କୋଇ ଏଜେଣ୍ଡା ନହିଁ ଥା ଏକ ମିଲନେ କା ହି ଏଜେଣ୍ଡା ଥା ଏକ କର୍ସି କଲ୍ ଥି ଲେକିନ ଫିର୍ ଭି ମୈନେ ତିନ ବାତେ ଉନକୋ ଉନକେ ସମକ୍ଷ ରଖି ହୈ ଜିସମେ ଏକ ତୋ କରଣ୍ଟ ଇଶୁ ହୈ କି ପଞ୍ଜାବ ମେ ପ୍ରକ୍ୟୋରମେଣ୍ଟ କା ସିଜନ ଶୁରୁ ହୋ ରହା ହୈ ଉସମେ ପହଲେ ଯୋ ପ୍ରକ୍ୟୋରମେଣ୍ଟ ହୈ ଓ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେ ଶୁରୁ ହୋତି ହୈ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ସେ ଲେକିନ ଇସ ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେ ଉସକୋ 10 ଅକ୍ଟୋବର ସେ କର ଦିଆ ହୈ ଆଜ ତକ କଭି ଭି ପୋଷ୍ଟପୋନ ନହିଁ ହୁଇ ହୈ ପ୍ରିପୋନ ତୋ ହୁଇ ହୈ ପିଛଲେ 50-70 ସାଲୋଁ ମେ ସୋ ମୈନେ ମୈନେ ଉନକୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ହୈ କି ଆପ ଇସକୋ ଅଭି ଶୁରୁ କରୱାଏ ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ମୁଝେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାୟା କି ମୈଁ ବାତ କରକେ ଇସକା ହଲ କରୁଙ୍ଗା। ଦୂସରା ପଞ୍ଜାବ ଖେତୀ ପ୍ରଧାନ ସୁବା ହୈ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ହମାରି ମେନ ଇନକମ ହୈ ସୋର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଙ୍ଗ ତୋ ମୈନେ ଉନକୋ କହା ହୈ କି ଯୋ ଇଏ ତିନ ବିଲ୍ କା ଝଗଡ଼ା ହୈ ଇସକୋ ଖତମ କରୋ ଉନ୍ହୋନେ ମେରି ବାତ ବଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ସେ ସୁନି ହୈ ଔର ମୁଝେ କହା ହୈ କି ଓ ଭି ଇସକା କୋଇ ହଲ ଢୁଢ଼ନା ଚାହତେ ହୈ ଔର ଇସ ଦିଶା ମେ ଚଲ ରହେ ହୈ କିସାନୋଁ ସେ ମୈନେ ଉନକୋ ଡାଇଲଗ ଶୁରୁ କରନେ କି ବାତ କି ହୈ ଯୋ ପିଛଲେ ସମୟ ସେ ଟୁଟା ହୁଆ ହୈ କ୍ୟୁଁକି ଡାଇଲଗ ସେ ହି ବାତ ହଲ ହୋଗୀ। ଆଶାପ୍ରତି ଖୋରୁକୁ ଟିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସହିତ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ୟୁକେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୟୁକେର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ସମାନ ନିୟମ ଆପଣାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଯେଉଁ ୟୁକେ ନାଗରିକ ଭାରତକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇ ୟୁକେ ନିୟମ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ୟୁକେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଥିଲା ୟୁକେ। ମାତ୍ର 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟୁକେର ଏହି ନିୟମକୁ ବିଭେଦମୂଳକ ବୋଲି ଭାରତ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ଯେସାକୁ ତେସା ନ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେହି ସମାନ ନୀତି। ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ୟୁକେରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଟିକା ନେଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ RT-PCR ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 26,000ରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 300ରୁ କମ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 26,727 କରୋନା ଭାଇରସ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ  277 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି 64,40,451 ଡୋଜ୍ ଟିକା। We start moving out from the pandemic towards travel opening up. It is very important that you have the approval so that it makes traveling more easier and you don't have to quarantine yourself or isolate yourself once you go to a new place. Sir, as festive precaution message for the rest of the people?
So I would say that India is in a good situation right now. Our cases are less, mortality is less, vaccine drive is doing very well. But we have to be alert, we have to be vigilant. And the festive season, when crowds happen, when people start having lack of COVID-appropriate behavior, is a fertile ground for the virus to spread. And we still have a large susceptible population. Therefore, I would really appeal to everyone that during the festive season, this time let's be a little bit careful. Celebrate the festivities with your family at home. Don't go out and form big crowds. If you're able to do that for the next 6 to 8 weeks, I think we shall be able to see a decline in our overall number of cases and maybe see that the COVID has actually come down significantly. Corona virudhre Covishield tika neithiba ebong Australia jatra kariba ku chahuthiba byaktinko pai khushi khabar. Serum Institute dwara nirmita tika Covishield ku Australia sikruti deiche. Australia shukrabar dina Covishield ku antarjatiya jatri manko pai ek sikruti prapta tika bhabare ghoshana karichi. ऑस्ट्रेलिया सरकार तरफ प्रकाशित एक बृत्ति में कहुई जे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित टीका कोविशील्ड सप्लीमेंट जो मैंने नहीं ऑस्ट्रेलिया यात्रा करेंगे तेरे से उच्च शिक्षापी जावाक चाहूबा छात्र छात्री मान खूब शीघ्र अनुमति मिले ऑस्ट्रेलिया सरकार पक्ष प्रकाश पाई आपण देखते पॉजिटिव भारत समय होइछे एक ब्रेक ब्रेक रे स्वागत अक्टोबर 6 रु फेरिबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून रे आसीथिबा चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राजस्थान रु आसंता 6 तारीख रु प्रत्यावर्तन आरंभ करिबो धीरे धीरे यह देशर अन्य जगार मध्य ओहरिबो तेबे ए संपर्क में भारतीय पाणीपाग डीजी मृत्युंजय महापात्र सहित आलोचना करम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जोन रे केरल छुईला बेले वर्तमान अक्टूबर रु ता फेरिबार प्रक्रिया आरंभ हो तेबे उत्तर पूर्व मौसुमी वायु किभली रहिबो एवं दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केबे सुधा संपूर्ण भारत रु फेरिबो एने आकलन करछि भारतीय पाणीपाग विभाग तेज आम सहित आई एम डी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र अच्छा सीधा साल सहित आलोचना करवा सर सर्वप्रथमें चैनल को स्वागत सर जमी आम देखु पचर सैटेलाइट पिक्चर अच्छी बंगोपसगर पूरा गोटे प्रकार क्लीयर इमेज देखा तो सर कौन कहे बंगोपसगर बर्तमान क्लीयर अच्छी ओडिशा प्रति सर्वप्रथमें जाना चाहिए ओडिशा प्रति बर्तमान किसी वर्षा अच्छी कि नहीं और दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केबे सुधा फेर आज स्थिति अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अक्टोबर 6 तारीख पखापाखी नॉर्थ वेस्ट इंडिया अर्थात राजस्थान अंचल यार विड्रॉल प्रोसेस आरंभ करिवार अनुमान करा जाउछि एवं धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया तापर सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न इंडिया विड्रॉल हेबो साधारणतः अक्टोबर 12 15 तारीख मध्य संपूर्ण देशर मौसम वायु विड्रॉल होता है तापर अक्टोबर 20 तारीख पखापाखी नॉर्थ ईस्ट मनसून रो कमेंसमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट मनसून रो विशेष प्रभाव वर्षा हिसाब से साउथ ईस्ट पेनिनसुला ऊपर रही है जमीती कि तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्टल आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा साउथ इंटीरियर कर्नाटक केरल लक्षद्वीप एवं साउथ ईस्ट मनसून समय साधारणतः मनसून डिप्रेशन लो प्रेशर सिस्टम्स डेवलप होता है जहाँकि ओडिशा उपरे अतिक्रम कर जाए जहाँ आम देखिले विशेषतः सेप्टेम्बर मासरे अधिक लो प्रेशर सिस्टम आसला और भल वर्षा है नॉर्थ ईस्ट मनसून आसवा पीरियड जोटा ताकि अक्टोबर डिसेंबर से पीरियड में साधारणतः डिप्रेशन साइक्लोन्स डेवलप होता है ओडिशा में समय साइक्लोन आसवर संभावना था तेणु जेते बेले नॉर्थ ईस्ट मनसून रेनफॉल प्रभाव विशेष किसी ना उपरे किंतु नॉर्थ ईस्ट मनसून सर्कुलेशन चलता समय यह अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप होगा बे बंगाल तेणु आम यह निरीक्षण करते कौन से भाई साइक्लोन डिस्टर्बेंस डेवलप होवार संभावना देखा तार पूर्वानुमान करवा
कहुए सर जो नॉर्थ ईस्ट जितेबाला से आसे तार अनेक समय रे साइक्लोन क्रिएट हुए अक्टोबर कथा आसले खासकर ओडिशा परिप्रेक्षी एक रु एकाधिक साइक्लोन आसिबार मध्य नजर रही प्रत वर्ष छोट हो बड़ हो लघुचाप हो साइक्लोन हो अक्टोबर मास रे अधिक होबार नजर रही तो चलित वर्ष सेमती सर किसी स्पेकुलेट कर ओडिशा रे साधारण दुईट सीजन रे बात्यार प्रभाव पड़ता है गोटे हूँ एप्रिल मे जून विशेष मे मस प्रभाव पड़ता है अक्टोबर नवंबर डिसेंबर एवं से अक्टोबर डिसेंबर मध्य अक्टोबर ही सबुठ बे गुरुत्वपूर्ण मस जितेबाड़े बात्यार प्रभाव पड़ार संभावना थाए आम अंचल सेमती किसी लंग रेंज फोरकास्ट एपर्तंत दि जा पार्ना कारण फ्रिक्वेन्सी बहुत कम ये साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस किंतु आम गोटे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट रही आसंता पंद्रह दिन कौन हबार अच्छी एवं तापर ताको फॉलो करके आसंता सप्ताह कौन हबार अच्छी से भाई पूर्वानुमान कर कुआडे गले मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह यहाँ ने सृष्टि होइछि बड़ प्रश्न और बड़ चर्चा बटी आदाय जनित विभिन्न मामलें अभियुक्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह विरोध में महाराष्ट्र सरकार तरफ चली तदंत यह अनेक दिन हेब तर कौन पत्ता मिलूना तदंतकारी एजेन्सी खोजी चली परमबीर सिंह को से यह देश छाड़ी कौन बाहर देश को पलायंट अनुमान विरोध में तदंत कर चंदीवाल कमिशन को आगे हाजर होगापी अनेक थर नोटिस दि सर सत्वे से हाजर होना विरोध में जारी हो लुकआउट नोटिस से तदंतर सामना नक जदि पलायन करोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण महाराष्ट्र गृहमंत्री परमबीर सिंह भारत रुषिया पलायंट चर्चा हो देशर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल विरोध में अपप्रचार एवं खूब महंगा पड़ा जाऊँगी कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्यप्रदेश समेत देशर विभिन्न भाग में नाम एतला दिजा सहित विक्षोभ प्रदर्शन करप्रदेश ग्वालियर पुणी तक विरोध में एतला सरस्वती शिशु मंदिर उत्तीर्ण किसी विद्यार्थी जिलार एसपी को भेट अभियोग पत्र दाखल कर सरस्वती शिशु मंदिर में पाठ पढ़ुवा विद्यार्थी मानक मनरे घृणार मंजी बुणवा कम कर निकटने एक दायित्वहीन मंत्य देते कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जहाँ को देशव्यापी विरोध कर ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता जाभलीन खेला नीरज चोप्रा एवं जड़े स्टार होते टोक्यो ओलंपिक्स 2020 स्वर्ण पदक जितापर नीरज जीवन में अकल्पनीय लोकप्रियता वृद्धि पाइबार रही एक गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबक नीरज ब्रांड भैल्यू अनेक गुणा वृद्धि पाई नीरज चोप्रा ब्रांड भैल्यू हजार प्रतिशत वृद्धि पाई कहुत नीरज फीस एवं भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी और विराट कोहली फीस सहित सामान रही नीरज स्वर्ण पदक जितना पूर्व नाइक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ब्रांड गेटोरेट एक्सान मोबिल और मसल ब्लेज स्पोर्ट्स भली किसी कंपानी प्रचार करते ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जितना पूर्व नीरज फीस थिला 15-25 लक्ष मध्य यही समय धोनी और कोहली फीस थिला 1-5 कोटी मध्य अनुमान कि नीरज ब्रांड भैल्यू धोनी और कोहली ब्रांड भैल्यू ठारु अधिक रहिबो नीरज चोप्रा प्रथम टाटा एआई लाइव सहित चुक्तिबद्ध अछन्ति अनेपटे नूतन भागीदारी बाबदे कहवाक जा नीरज कहते कि टाटा परिवार सहित सहयोग कर से खुशी अच्छा से कहते कि भारतीय माने जीवन बीमा सहित जोड़ी हुई रहिबार आवश्यकता रही समस्त पॉजिटिव भारत को यह रखु मत विदा दिंतु नमस्कार।